हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये डिस्क ब्रेक का एक इशू चेक करने वाले हैं। आप ये देख रहे हैं, जैसे ये ब्रेक है पूरा ऐसे प्रेस हो जा रहा है, इसमें जो प्रेशर होता है वो आ नहीं रहा है। एक्चुअली में हुआ क्या था, इसका ऑयल मैंने फिल करवाया था, ऑयल फिनिश हो गया था, पूरा सूख गया था तो ऑयल फिनिश करवाया। ऑयल फिनिश होने के बाद मैंने इसको फिल करवाया तो यहाँ तक भी फिल किया, और उसके बाद जो है वो प्रेशर नहीं आ पा रहा है। ब्रेक लगती है बहुत हल्की सी एकदम लगती है, बाकी कुछ प्रेशर नहीं आ रहा है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो इतना प्रेस नहीं होना चाहिए, ये इतने पे ही हमारा ब्रेक लग जाना चाहिए, पर ये पूरा मैं इसको टच कर देता हूँ तब जाके भी गाड़ी रुकती नहीं है। बहुत ही हल्का ब्रेक लगता है, तो इसको ठीक करने के लिए वही आज हम एक ट्रिक ट्राई करने वाले हैं, देखते हैं ये ठीक होता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे बांध देता हूँ, फिर इसको बांधने के बाद हम यहाँ डिस्क ब्रेक में इस साइड में आप देख सकते हैं, ये इसको ओपन करते तो यहाँ से वो डिस्क ब्रेक का ऑयल निकलता है, जो भी एयर रहेगा या जो भी एयर बबल्स रहेंगे वो इसमें से निकलेगा, इसको हमें लूज़ करना पड़ेगा। तो इतना ही करना है, ऊपर हम वो ब्रेक को बांध देंगे फिर इसको लूज़ करेंगे तो यहाँ से एयर या बबल है जो भी वो निकल जाना चाहिए, फिर प्रेशर वापस आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको बांध देते हैं। तो ये मैंने इसको बांध दिया है। इसको बांधने का मेन रीज़न यही है कि जब हम इसको प्रेस कर रहे हैं बंद, मतलब ये पूरा इस तरह से ब्रेक लगा रहे हैं, तो उस टाइम पे अंदर जो एयर होगी वो बाहर निकल जाएगी, और इसको हम वापस छोड़ेंगे तो वापस से एयर ले लेगा। तो नीचे जो हम वो वाल्व खोलने वाले हैं, अगर इसको हम ऐसे बांधेंगे नहीं तो वो एयर अंदर ले लेगा। इसके लिए अभी हमने बांध दिया ताकि वो एयर ना ले। अभी हमें इसको ओपन करना है, ये मैंने ओपन कर दिया है। इसके अंदर ये आपको होल दिख रहा होगा, यहीं से अगर एक्स्ट्रा ऑयल रहेगा जो भी रहेगा निकलेगा। अब इसको हम लूज करेंगे, पूरा पूरा नहीं खोलना है, थोड़ा थोड़ा ही। ये काफ़ी टाइट हो गया, ओपन नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है इसको स्पैनर से ही ओपन करना पड़ेगा। मैं इसको रेंच से ट्राई कर रहा था बट वो हो नहीं रहा, एक बार फिर से ट्राई करके देखता हूँ। ये ओपन हो गया है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे हल्का सा ऑयल जैसा बाहर आ रहा है, इसको हम और लूज़ करेंगे। धीरे धीरे लूज़ करना, एकदम से पूरा लूज़ नहीं कर देना। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑयल जैसा लीक हो रहा है। ये देखिए, कई बार तो ऐसा लगता है कि इसमें ऑयल के साथ पानी भी आ रहा है, वो पानी कहाँ से जा रहा है वो पता नहीं चलता। इसमें से तभी निकलेगा जब हम उसको ऐसे बार बार ब्रेक को प्रेस करेंगे, तो यहाँ से भी निकलता है, अभी भी निकलना चाहिए तो निकल नहीं रहा है, देखते हैं अभी। ये इतना लूज़ हो गया, हमने काफ़ी लूज़ कर दिया इसको, जो भी एयर होगा उसको निकल जाना चाहिए, वापस से हम इसको टाइट कर देंगे। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं किया, एक बार अभी हम इसको ये बंद कर देते हैं।
अभी चेक करेंगे। इसको हम खोल देते हैं। खोल लिया, अभी हम देखते हैं, अभी भी प्रेशर नहीं आया, पर इसको ऐसे ही करते रहेंगे। मैंने गैरेज में दिखाया था तो मुझे उन लोगों ने बोला कि हमें ये रिप्लेस करना पड़ेगा, ये जो चैम्बर रहता है जिसमें ऑयल रहता है। मुझे लग रहा है हल्का सा फर्क पड़ा है, ये आप देख सकते हैं, पहले ये पूरा एकदम टच हो रहा था, अभी ये पूरा टच नहीं हो रहा है, इतना गहरा। इतना तो प्रेस होना ही चाहिए क्योंकि एकदम इतने में तो ब्रेक नहीं लगेगी, आप इतना प्रेस करेंगे तो ही ब्रेक लगेगा। और ये देखिए, तो ये एक छोटी सी ट्रिक है। हाँ, ये काफ़ी बेटर आ गया, अभी इस तरह से अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है वो एकदम प्रॉपर हो गया। तो अब ये मैंने सोची, अब गैरेज में ही मैंने ये इसमें ऑयल फिल करवाया, गैरेज वाले ने ट्राई भी किया था, गैरेज वाले ने भी ऐसे ऑयल निकाल के चेक किया था, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसने वो जो ब्रेक का जो ये जो हैंडल है इसको ऐसे बंद नहीं किया था, उसने इसको ओपन ही रखा था और नीचे से वो प्रेशर निकाल रहा था। तो उसमें हुआ क्या कि जो ओपन था वो ब्रेक, उसकी वजह से उसके अंदर प्रेशर वापस से जनरेट नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर एयर चला गया। अब उसके बाद उसने बहुत आधे एक घंटे तक उसने ट्राई किया था लेकिन उससे वो प्रेशर आया ही नहीं। फिर पहले भी मैंने चेंज कराया था तो पहले कई बार क्या हुआ था कि हम चलाते रहते हैं तो धीरे धीरे वो प्रेशर अपने आप बन जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। मैंने 15-20 दिन तक गाड़ी चलाई लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं वापस उसके पास लेके गया तो उसने मुझे बोला कि आप वो चैम्बर चेंज करा दीजिए। और फिर मैंने ऐसे ही कुछ थोड़ा ढूंढा और पता चला कि इस तरह से हम ट्राई कर सकते हैं। तो वही आपने देखा कि ये चीज़ वर्क की। तो आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ इश्यू आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं, बहुत छोटा सा काम है, आपको खाली वो ब्रेक को बांध देना है, उसके बाद यहाँ से ये लूज़ करना है। तो या तो यहाँ से या तो यहीं से ऑयल या एयर जो है वो बाहर निकल जाएगा और फिर उसको वापस टाइट कर देना है। सबसे ज़रूरी इसमें ये है कि आपको वो ब्रेक को बांध के रखना है ताकि वो एयर वापस ना ले। तो यही है, अगर आपको कभी ऐसे इशू आती है तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।